हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम काउंसलिंग से रिलेटेड, और जो जीएनएम की आपकी जो अलॉटमेंट लेटर है उससे रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको दो खुशखबरी, यानी एक खुशखबरी रहेगी और एक बैड न्यूज रहेगी। वो दोनों ही बताएंगे हम क्या है खुशखबरी और क्या बैड न्यूज है। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक आने वाला आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे फ्यूचर में। क्योंकि दोस्तों, यहां से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाया जाता है। अपडेट ना आने से पहले ही आप तक सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। चलो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए बैड न्यूज़ क्या है और गुड न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ पहले सुन लेते हो। गुड न्यूज़ ये है आपकी कि जो आपकी जो काउंसलिंग है उसकी जो डेट है वो 2 दिन तक बढ़ा दी गई है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि आपके जो काफ़ी स्टूडेंट हैं, यानी 2500 से लेकर के 3000 तक जो स्टूडेंट हैं वो वंचित रह चुके हैं काउंसलिंग से। लेकिन अब जो काउंसलिंग है वो फिर से स्टार्ट कर दी गई है, यानी 2 दिन और बढ़ा दिया गया है काउंसलिंग को। 2500 से लेकर के और 3000 स्टूडेंट इस काउंसलिंग से वंचित रहे, इससे फर्स्ट काउंसलिंग से, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या रहेगा, इसमें अगर सेकंड काउंसलिंग रहेगी तो इसमें ये रूल रहेगा सेकंड काउंसलिंग में कि जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट काउंसलिंग करवाई है ना, वही स्टूडेंट सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। जब भी तो इन्होंने ये काउंसलिंग स्टार्ट किया नहीं, अन्यथा अगर ये इस काउंसलिंग को द्वारा नहीं बढ़ाते तो यही शेड्यूल रहता, ठीक है ना। अगर द्वारा नहीं बढ़ाते तो उन स्टूडेंटों ने अब काउंसलिंग नहीं करवाई फर्स्ट राउंड में, वो सेकंड में भी करवा सकते थे। लेकिन अब क्या रूल रहेगा, जिन स्टूडेंटों की फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग हुई है वही सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों, अब आपके लिए ये तो खुशखबरी है, जिन स्टूडेंटों की काउंसलिंग नहीं हो पाई थी उनके लिए खुशखबरी है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों का पेमेंट कट गया था, सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, काफ़ी का काउंसलिंग में कॉलेज एक ही ऐड हो रही थी तो वो और ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। और दोस्तों, अगर खुशखबरी के बाद में एक आपके लिए थोड़ी सी जो चौंका देने वाली बात है वो ये है कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो 24 तारीख को शायद ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है, अगर देखो काफ़ी स्टूडेंट अगर इस काउंसलिंग को करवाते हैं तो इस काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है वो है 23 नवंबर। 23 नवंबर तक ये काउंसलिंग चलेगी, यानी 2 दिन तक ये काउंसलिंग बढ़ा दी गई है, आज और कल तक। तो ये काउंसलिंग चलेगी आपकी 23 नवंबर तक चलेगी। तो आप भी जानते हो इस बात को कि राज स्वास्थ्य एक दिन में तो 3000 से 4000 स्टूडेंटों की जो लिस्ट है उसको बना करके तैयार नहीं कर सकती रेडी। लेकिन ये आपकी 24 को ना आकर के 25 या 26 तारीख को आपको अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा ना, उससे पहले हम राज स्वास्थ्य में विजिट करके आपके अलॉटमेंट लेटर की आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो इस चीज़ की आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बस काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट यही आ रहे हैं अब मेरिट लिस्ट आने के बाद में कि सर, जो अलॉटमेंट लेटर है वो कब आएगा कब नहीं आएगा। तो देखो, अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आएगा हम राज स्वास्थ्य में भी विजिट करने चले जाएंगे, आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको आपका 25 तारीख से और 26 तारीख तक आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो देखने को मिल जाएगा। 24 तारीख को पॉसिबिलिटी कम रहती है, पॉसिबिलिटी 50% रहती है। क्यों? क्योंकि ये काउंसलिंग के 2 दिन बढ़ा दिए गए हैं, अन्यथा आपकी जो अलॉटमेंट लेटर है वो आता तो 24 तारीख के दिन ही। क्योंकि ये 2 दिन काउंसलिंग बढ़ाने से पूरा मामला उन्होंने गड़बड़ कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो शेड्यूल है, मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में बताया था, जो शेड्यूल था वो जब ही आएगी, ठीक है ना। तो शेड्यूल आपका वही रहेगा। देखो, अभी स्टूडेंटों का कॉल आ रहे हैं, काफ़ी इसी चीज़ से रिलेटेड बस आपके कॉल है, वो कॉल आ रहे हैं, आप दिन भर कॉल करते रहे तो बोलते रहे हम इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड। तो दोस्तों, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और आपके साथ में हमने आपको बता दिया है कि हम जब तक हैं आपके साथ तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट, जब तक हम हैं आपके साथ तो प्राइवेट कहीं गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिलवा करके रहेंगे। और अगर नहीं भी मिलती है इस बार तो आपको अच्छा अचीव करवाएंगे दूसरी बार, अगर आप अच्छा कर सको तो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म डालना और जीएनएम में भी अच्छा कर सको। और दोस्तों, आपके लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजों में हम अच्छी तरह गाइड करेंगे आपको। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो तो हम आपके लिए, आपके जो विश्वास है उस पर खड़े उतरेंगे। तो आप टेंशन ना लो, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो कमेंट कर दो। अब बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि कोई भी यूट्यूब चैनल वाला हमारे कमेंटों का जवाब नहीं देता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कमेंटों का रिप्लाई भी देते हैं। पर ये बहुत बड़ी अच्छी बात लगती है हमें कि आपकी जो कमेंट है वो 120 के समथिंग हर वीडियो में देखने को मिलते हैं, 120 कमेंट हर एक वीडियो में देखने को मिलते हैं, और वो भी आपके पॉजिटिव कमेंट,
वो पॉजिटिव कमेंट हमें इतने मोटिवेट करते हैं कि क्या बताएं आपको, वीडियो और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना ही पड़ता है हमें, कैसे भी करना पड़ता है, वो कहीं से भी डाटा कलेक्ट करके आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी कमेंट है वो भी पॉजिटिव कमेंट, 120 कमेंट में से एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं, तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात होती है आप सभी के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि आप हमें इतना मोटिवेट करते हो तो हम आपके लिए ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो तो हम आपके साथ में विश्वासघात नहीं करेंगे। और जिन भी स्टूडेंटों को बाई चांस अगर नहीं मिल पाता है वहाँ पर आपको मैसेज में कमेंट में अगर जवाब नहीं मिल पाता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर हम सभी स्टूडेंटों का रिप्लाई देते हैं, सभी को वहाँ पर एक फैमिली की तरह भी वहाँ पर गाइड करते हैं। जैसा होता है जैसे कमेंट में तो आप एक क्वेश्चन पूछते हो तो एक क्वेश्चन का एक ही रिप्लाई दिया जाता है या दो रिप्लाई दिए जाते हैं, वहाँ कितने भी क्वेश्चन पूछो वहाँ आपका रिप्लाई देते हैं। इंस्टाग्राम पर वहाँ फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी हम आपका और वहाँ भी हम एक्टिव रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियो वगैरह डालते रहते हैं आपके लिए। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी जो काउंसलिंग है उससे रिगार्डिंग, और जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है उससे रिगार्डिंग, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, डोंट वरी रहो, बस आप थोड़ा वेट कीजिए, दो तीन दिन का वेट और कीजिए, बस उसके बाद में आपका जो प्रोसीजर है वो चालू कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।